राम मंदिर निर्माण शिलान्यास की वर्षगांठ पर देश और दुनिया सहित संस्कारधानी में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कटंगा स्थित 64 योगिनी मंदिर में राम दरबार में राम मंदिर निर्माण शिलान्यास की वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर पूजन अनुष्ठान और महाआरती का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक और बैडमिंटन परिवार के युवा खिलाड़ी उपस्थित हुए थे। साथ ही में पूरा कार्यक्रम पार्षद अमित अग्रवाल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। पार्षद अमित अग्रवाल लॉकडाउन के दौरान लगातार पीड़ित मानवता की सेवा में तत्पर रहे। उन्होंने अपने साथियों के साथ गरीब परिवारों को लगातार मदद पहुंचाई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अयोध्या में मंदिर निर्माण होने जा रहा है। मंदिर निर्माण शिलान्यास की पहली वर्षगांठ का उत्सव उन्होंने कॉलोनी वासियों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया। आज हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी की राम जन्मभूमि की जो लोकार्पण हुआ था, शिलान्यास हुआ था, उसका एक वर्ष पूर्ण हुआ है। उसी के पावन पर्व पे उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ कटंगा APR कॉलोनी फेज टू के 64 युगनी मंदिर में हमने इस राम दरबार पे एक विशाल महाआरती रखी, जिसमें बड़ी संख्या में सभी लोग उपस्थित हुए और साथ ही साथ यहाँ प्रसाद वितरण भी किया गया। आज माननीय मोदी जी ने जो हम सबका 500 वर्ष पुराना सपना साकार कराया, उसके लिए उनका हृदय से आभार। और भगवान श्री राम की आज के इस पावन पर्व की सभी का सब यहां पधारे, सबका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।